कोरोना में इंटरनेशनल ट्रैवल कैसा लगा? थोड़ा ठीक था, एडवेंचरस था। सो हाय गाइस, तन्नू दिस साइड फ्रॉम ट्रैवलिंग बाजी, और दुबई सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग पहुंचने वाले हैं दुबई से दिल्ली, और मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कैसे हम लोगों ने जो आईफोन्स और एप्पल प्रोडक्ट्स लिए थे उनका हम लोग वैट रिफंड लेंगे, क्योंकि एक तो दुबई में आईफोन सस्ते मिलते हैं, ऊपर से दुबई में टैक्स नहीं है, और अगर आप टूरिस्ट हो दुबई में तो जो आपको वैट लगता है बचा कुचा, वो भी आपको एक 1% चार्ज लग के आपको बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे अगर आप आईफोन लेने जा रहे हैं दुबई में, या फिर अगर आप कोविड में ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर आप वैसे ही इंटरेस्टेड हैं, आपको ट्रैवलिंग बाजी के कुछ भी ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप ये वीडियो देखते रहिए। आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा फन रहेगा, क्योंकि मैं फाइनली 2 साल बाद पांडा शॉपिंग कर रहा हूँ। ओ यस, ओ भाई 2 साल से भाई, ये तो 2 ले लो, मिल गए। कितने गए? जितने का भी, अब ये 3 ले लेते हैं भाई, बहुत रेयर फाइंड है। 2 साल से ढूंढ रहा हूँ इसको, 2 साल से, जितने का भी है 3 ले रहे हैं हम लोग। रखेंगे इसको, हम रखेंगे, हम लोग रखेंगे, आप टेंशन ना लो, वी आर टेकिंग 3। बहुत सारी पांडा एक्सेसरीज ले ली हम लोगों ने, फास्ट चार्जर चाहिए था, फास्ट चार्जर है नहीं तो कोई नहीं, लैनियर्ड, पांडा लैनियर्ड, पांडा लैनियर्ड, यस लेट्स गेट पांडा लैनियर्ड ऑल्सो। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को दुबई सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दो, और काफ़ी सारे लोगों ने तो बोला था कि दुबई सीरीज की कॉस्ट जाननी है, तो कॉस्ट जाननी है तो इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा, कमेंट्स में लिखना हाँ यस कॉस्ट जाननी है हम लोगों को। टोटल ऑफ 275। ग्रेट, ये मेरे को ना पांडा पर शॉपिंग करनी थी कुछ, तो आप कोई भी शॉपिंग करते हो ना तो ये आपको प्लैनेट टैक्स फ्री का ये ऐसे QR कोड लगा देते हैं, तो यहाँ पे 275 की हम लोगों ने शॉपिंग करी, 13 दिरहम जो है हम लोगों को 13 दिरहम का 4% वापस हो जाएगा। तो आप दुबई से कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हो, 2 टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक जिनके अंदर आपको वैट रिफंड मिलता है, जिसके बिल के पीछे QR कोड लगा होता है जो स्कैन होता है एयरपोर्ट जाके, और दूसरा जो नॉर्मल बिल होते हैं बिना वैट के। अगर आपको कोई शॉपकीपर, आप कोई भी कपड़े ले रहे हो, कोई फ़ोन ले रहे हो, कोई बैग ले रहे हो, और आपको शॉपकीपर स्कैन वाला कोड देता है तो उस पर आप वैट रिफंड कर सकते हो। वैट रिफंड का क्या सीन होता है, अगर आप 100 दिरहम की चीज़ ले रहे हो, मतलब 100 दिरहम 2000 रुपये, 1 दिरहम 20 रुपये के बराबर होता है, आप 100 दिरहम की चीज़ ले रहे हो, उसका 5% आपको वैट लगता है, जिसके ऊपर 4% आपको रिफंड मिलता है, 1% आपका चार्ज कटता है, और जो 4% आपको रिफंड मिलता है, मतलब आपको 4 दिरहम 100 दिरहम पे आपको वापस मिलेंगे, उसके अंदर से कुछ अराउंड एक प्रोसेसिंग फीस लगती है छोटी सी, और आपको सारे पैसे 7 दिन के अंदर या तो आपके अकाउंट पे आ जाते हैं, या तो आप वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज से एक्सचेंज करवा लो तो आपको हाथों हाथ मिल जाते हैं। वहाँ पे एक्सचेंज रेट बहुत बुरा मिलता है, तो वो लोग बोलते हैं आप अकाउंट नंबर दे दो, मैंने भी अपना अकाउंट नंबर दे दिया था और मेरे पास हाथों हाथ पैसे आ गए थे 1 हफ्ते के अंदर। दिखाओ पांडा बैग्स, 150 दिन था, सो मेनी पांडास, पांडा भी देख लिया, ऑल भी देख लिया, आज मजा आ गया दुबई का, है ना, अब हबीबी हो गया। आप दुबई में फोन खरीदने जा रहे हो तो आपके वैसे ही पैसे बच गए, ऊपर से आप वैट रिफंड ले रहे हो तो आपके और पैसे बच गए, तो मतलब सोने पे सुहागा वाली चीज होती है ना, ये चीज हो रही है। दुबई मॉल अच्छा लगा, बढ़िया दुबई मॉल आना, हम लोगों ने तो 2 दिन दुबई मॉल में निकाले, मजा आया। और आज की वीडियो मैं एक अलग अंदाज में बना रहा हूँ, आप मुझे बताना कि ऐसी वीडियोस और बनाऊं कि ना बनाऊं, वॉइस ओवर दे के बना रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट एडिटिंग स्टाइल में ट्राई कर रहा हूँ, तो अच्छा लगे तो भी बताना, नहीं लगे तो भी बताना, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है मुनीब, ये सही रहेगा, सही है ना, ऐसे ये तो हो गई वैट रिफंड की बात। जैसे मैंने आपको बताया इस वीडियो के 2 पार्ट्स है, एक वैट रिफंड और दूसरा दुबई से दिल्ली जाने का सफर। तो दुबई से दिल्ली जाने का सफर कुछ ऐसा रहा, हम लोग दुबई के एयरपोर्ट पे पहुंचे जो बहुत ही थकेला था। आपकी कभी भी फ्लाइट हो तो आप इस वाले एयरपोर्ट पे बिल्कुल मत पहुंचेगा, आई थिंक T2 एयरपोर्ट था। वहां से हम लोगों ने स्पाइस जेट का टिकट वगैरह हमारे ऑलरेडी बुक थी, चेक इन बैग्स वगैरह दिए, जैसे आपने देखा मिनी सू से मैंने पहले शॉपिंग करी थी, वो जो शॉपिंग वाले बैग्स थे उन्होंने बोला दुबई एयरपोर्ट पे ऐसे बैग्स नहीं जाते, मैं पूरा टेप लगा लोगों के कहता, फिर मेरे को हैंड बैग में लेके जाना पड़ा, उससे मेरे हैंड बैग का लगेज बढ़ गया, और पहला ऐसा फ्लाइट कह लो आप जिसमें हैंड बैगेज भी वेट हो रहा था, और हमारा तो बिल्कुल बैंड बजाता है, खैर उस पर बाद में आएंगे। तो फिर मैंने वैट रिफंड लिया, वैट रिफंड लेके हम लोगों ने शॉपिंग करनी शुरू करी। सुवेनीर शॉपिंग, साइज देखो यार ये तो छोटा है ना, क्योंकि घर वालों के लिए कुछ भी शॉपिंग नहीं करी, इतने बिजी रहे 5 दिन में
तो एयरपोर्ट से सुविनीर शॉपिंग ली, क्योंकि कोई भी इंडियन अगर बाहर जाता है विदेश तो सुविनीर शॉपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं करी तो फिर मजा नहीं आता। शॉपिंग हो गई है फाइनली, बोर्डिंग का टाइम हो गया है, बस गर्म पानी भरवा रहे हैं ताकि हमारा इन फ्लाइट खाना भी रेडी हो जाए। कोविड वगैरह का तो कुछ दुबई में चेक नहीं हुआ, दुबई से जाते जाते वो सारे लोगों के बैग वे कर रहे थे और लकीली हमारे पास बहुत सारा सामान था क्योंकि हम लोगों ने ड्यूटी फ्री से भी शॉपिंग करी थी। मिनीसू के भी बैग्स हम लोग लेके घूम रहे थे, वो कैसे तैसे जुगाड़ बिठा के मैं वो आपको बता नहीं सकता कैसे, पर बहुत तगड़े जुगाड़ लगा लो क्योंकि यहाँ पे पॉकेट में सामान वहाँ पॉकेट में सामान, हैंड बैग्स जो थे हमारे 8-8.5 किलो के थे तो उससे हमारे कोई चार्ज नहीं लगा एक्स्ट्रा, 1-1.5 किलो एक्स्ट्रा वो दे देते, कोई छोड़ते नहीं उसमें। तो दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको एक फॉर्म पकड़ाते हैं फ्लाइट के अंदर ही, जिसके अंदर आपको डिक्लेरेशन देनी होती है कि भाई आपको कोई कफ वगैरह नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। और हम लोग तो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट कैरी कर ही देते हैं, जैसे आप लोगों ने दुबई सीरीज में पहले देखा, हम लोगों ने पूरा बाकायदा टेस्ट करवाया और उसका फिजिकल हैंड रिपोर्ट हम लोग लेके घूम रहे थे। वो एक चीज़ बड़ी आश्चर्यजनक थी कि किसी ने हमसे वो फिजिकल रिपोर्ट चेक ही नहीं करी दिल्ली एयरपोर्ट पे, मे बी बिकॉज कि हम लोगों की फ़्लाइट रात को देर रात को लैंड हुई थी और हम लोगों को ये सारा प्रोसेस करते करते 1:30 बज गए थे, तो जब हमारी चेकिंग की बारी आई थी तो 1:30 बज गया था, बट किसी ने रिपोर्ट नहीं चेक करी, जस्ट उन्होंने ऐसे स्टैंप मार दिया कि आप क्वारंटीन हो, फिर थोड़ा सा आगे गए तो उन्होंने स्टैंप मार दिया कि आप क्वारंटीन नहीं हो। तो मैंने उनको बोला मेरे पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है, आपको चेक नहीं करनी, उन्होंने बोला नहीं हम आप पे भरोसा करते हैं कि आपके पास है तो चेक नहीं कर रहे वो। अब ये मुझे चीज़ बहुत अटपटी लगी, बट मैं तो भाई अपनी साइड से कोविड टेस्ट रिजल्ट करवा के आया था, मैं और भाई हम दोनों को नेगेटिव था, बट शायद में भी देर रात थी इसलिए। एनीवे वहाँ से हम लोग निकल गए और रात के 4:30 बजे, मतलब बहुत टाइम लग गया वो इमिग्रेशन और वो सब चीज़ें करने में, कस्टम्स की लाइन इतनी लंबी थी रात के 4:30 बजे। चलो आ जाओ, बैग अदला बदली हो गई, मिल गया बैग अब आपका, मुझे लग ही रहा था बंदा ले गया वो। कोरोना काल में कौन बोलेगा कि ये कोरोना काल है, कम से कम आई थिंक हम लोगों को 1-1.5 घंटा लग गया होगा कस्टम्स क्लियर करने में। कस्टम्स क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं थी, बाहर निकले, घर को रवाना हो गए और दिल्ली पहुंच गए। भाई कस्टम्स में 1 घंटा लग गया भाई, फाइनली दिल्ली आ गए। और दिल्ली की सर्दी क्या खूब पड़ रही है, 1 घंटा कस्टम्स पे लग गया, कैसे बैग निकाला हमें ही पता है भाई। और ये कोविड का सिस्टम मेरे को समझ नहीं आया यहाँ पे, हम लोगों ने टेस्ट करवाया है बट यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि आप अब रैंडम चेकिंग है, अपने भरोसे हो। फिर ऐप बेस्ड टैक्सी, ये अंडरग्राउंड पैसेज से मैं आई थिंक 2-3 बार आ रहा हूँ। कोरोना में इंटरनेशनल ट्रैवल कैसा लगा? थोड़ा ठीक था, एडवेंचरस था, आधी चीजें तो समझ ही नहीं आई भाई। 1-1.5 दिन एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, 1-1.5 दिन एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा और आधी समझ ही नहीं आई। सुविनीर्स में भी एक फूडी फैमिली सिर्फ और सिर्फ खाना ही लेके आती है, ये हैं जी, इन्हें कहते हैं क्या कहते हैं इन्हें, बकलावा, अलग अलग टाइप है, पिस्ता बड़ा मिलता है जी, चाशनी से भरे हुए, जैसे हमारी मिठाइयां नहीं होती, मावे की मिठाइयां होती हैं जो बंगाली मिठाइयां बोलते हैं, वैसे ये जो है ना आपकी मिडिल ईस्ट की मिठाइयां हैं सारी अलग अलग, इनसे 1, 2 और 3 हैं और ये 4, 5, मतलब इधर तक आपका अगर आप रोज़ की दो खाओगे तो आपका 1 किलो वेट बढ़ेगा और इधर से 1 किलो और बढ़ जाएगा, तो ये पूरे डब्बे अगर खाएंगे तो सब घर वालों का 500-500 ग्राम तो वेट बढ़ ही जाएगा। और दिल्ली पहुंच के छोटी सी वीडियो बनाई आप लोगों को दुबई से दिल्ली का सफ़र दिखाने का, अलग स्टाइल में एडिट करा, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था अगर आप लोगों को दुबई का कॉस्ट वगैरह जानना है तो कमेंट्स में लिखिएगा, यस कॉस्ट जानना है तो वो कॉस्ट वाली वीडियो आएगी वरना कुछ और वीडियो आएगी। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, इन्जॉय।